बोले सोने आले सस्रिया काल आगे कुत्ते भौंक रहे। दोस्तों बाहर कुछ लग रहा है, सही है, इसी बहाने बालू इधर नहीं आएगा। कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको कुछ दिख रहा है। रात हो चुकी है ना, यहाँ कुछ ना यार, भाग गया, चला गया, भाग गया कुछ तो। दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है और अभी तक यहाँ बर्फ नहीं खत्म हुई। दोस्तों बाहर से कुत्ते की आवाजें आ रही हैं और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनको दिखाई दे रहा है। कुत्ते जहाँ होते हैं ना वो हमें अलर्ट कर देते हैं। एक बकरी इतना बालू 100% आता है ना, उनका शिकार होता है ये। हाँ टेस्टी का पता नहीं, पर ये अभी खाने लायक बना दूंगा। सो दोस्तों आई होप आपको भी देखने में मजा आ रहा होगा और मुंह में पानी आ गया होगा। तो दोस्तों जैसे ही अभी हमने अपना कैंप सेटअप किया और यहाँ पर ना तूफान आने लग गया। सो दोस्तों यार ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर हवा चल रही है तो बाहर कुकिंग हो नहीं सकती थी। जीत भाई हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, भाई हो सब बढ़िया होंगे। काफ़ी टाइम से ब्लॉग लेट आ रहे थे, उसकी एक ही वजह थी मैं बिजी था अपने एग्जाम्स में और एग्जाम्स चल रहे थे। अब भी जस्ट एग्जाम हुआ, फ्री हुआ हूँ, बट ये है कि छोटा सा ब्लॉग पड़ा था मेरे पास पुराना, बट उसकी काफ़ी सारी क्लिप्स डिलीट हो चुकी थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग डालने का, बट मैंने सोचा कि यार डाल देते हैं। तो इनकम्प्लीट ब्लॉग है तो डाल देता हूँ आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा। बाकी जल्दी हम एक नई ट्रिप करने वाले हैं तो आपको खूबसूरत सी जर्नी और खूबसूरत सी कैंपिंग दिखाएंगे, तब तक के लिए वेट करिएगा। बाकी व्लॉग देखिए छोटा सा, फिर मिलते हैं आपको व्लॉग के एंड में। तो दोस्तों यार देखो जहाँ पर हमने कैंपिंग करनी है ना उसका व्यू देखो यार, ये देखो भाई क्या व्यू है। आज यहीं पर हमारी होने वाली कैंपिंग। दोस्तों देखो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, यहाँ पर अभी तक बर्फ नहीं खत्म हुई, देखो थोड़ी सी बर्फ का पीस बचा हुआ अभी भी। बर्फ है ये, क्या ये नमक का ढेर है, ये पत्थर बन गया क्या उत्तरी। दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है और अभी तक यहाँ बर्फ नहीं खत्म हुई। हाँ धूप नहीं पड़ती है, ये देखो दोस्तों जीत भाई जीत भाई। पहले चेक करके आते हैं अच्छे से कि हमारी कैंपिंग लोकेशन में कैंप करने की जगह है या नहीं है। चलो यार पहले कैंपिंग लोकेशन देख के आते हैं कि कब्जा तो नहीं कर ली किसी ने। हाँ यार हो जाएगी यहाँ पर हमारी कैंपिंग। ये देखो ये मिल गया हमें प्लेन ग्राउंड, नीचे लगी हमारी बाइक्स और यहाँ पर हम कर लेंगे अपनी कैंपिंग। ये प्लेस है कैंपिंग वाली। सो भाई अभी पहुंचे हैं हम भद्रवाह के टॉप गोल्डंडा टॉप पे और जैसे कि हमेशा आता हूं तो यहां रुकता हूं क्योंकि यहां पर हमारे नादीम भाई हैं, इनसे हमेशा मिलते रहते हैं। तो यार जब भी आप यहां पर आ रहे हैं, नादीम भाई का आपको मैंने स्टॉल दिखाया वो वाला वहाँ पर लगा हुआ है, हमेशा यहीं रहता है। सो आपको यहाँ पर खाने पीने का बहुत सारा सामान मिल जाएगा। सो जरूर यहाँ विजिट करेगा भद्रवाह पर जब भी आप विजिट कर रहे हैं, तो गोल्डंडा जब भी आ रहे हैं तो नादीम भाई की शॉप पर जरूर विजिट करें। बाकी आज का जो हमारी कैंपिंग लोकेशन है वो देखो उस कच्चे मकान के ऊपर रख बनाने वाले हैं आज, तो आज का स्टे यही है। सो आज कैंपिंग यही होने वाली है, ब्यूटीफुल प्लेस में, बहुत मजा आएगा। सो दोस्तों फाइनली ये रही हमारी आज की कैंपिंग लोकेशन। पहले हम ना कैंपिंग वहाँ करने वाले थे और बट यहाँ पर भैंसे थी तो जिनकी भैंसे, उन्होंने बोला कि यार रात को आपको भैंसे तंग करेंगी तो इससे बेटर है कि आप हमारे छत के ऊपर सेटअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार कितनी मस्त लोकेशन है कैंपिंग करने की। लास्ट टाइम हम आए थे ना जब जीतू भाई, लास्ट जो हमने कैंपिंग करी थी ना तो अब यहाँ बकरियाँ बहुत थी यार, वो पूरी की पूरी रोड में सोई थी। जब हमने यही सेटअप किया था तब भैंसे नहीं थी, तब बकरियाँ बहुत थी तो बकरियाँ पूरी की पूरी रोड में सोई थी। तो यार अब देखो वहाँ पर सनसेट भी होने वाला है, सनसेट होने से पहले पहले अपना सेटअप करते हैं। देखो भाई ने टेंट लगा दिया अपना, हम भी यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे।
तो दोस्तों जैसे ही अभी हमने अपना कैंप सेटअप किया और यहाँ पर ना तूफान आने लग गया है। आज ना हवा चल रही है बहुत ज्यादा, हम हाइट में कैंपिंग कर रहे हैं, तो आज का जो कुकिंग है ना बाहर नहीं होने वाली। तो आज हमारे जो एक के भाई है उनके टेंट के अंदर ही कुकिंग होगी, तो वहाँ पर स्पेस ज्यादा खाली है, तो वहीं बैठ के कुकिंग करेंगे। तो ये लो भाई जीतू भाई, पहले तो आप सिलेंडर पकड़ो, बाकी सामान मैं निकालता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों यार ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर हवा चल रही है तो बाहर कुकिंग हो नहीं सकती थी, तो अभी हम सारे आ गए टेंट के अंदर, टेंट के अंदर कुकिंग होने वाली है। देखो छोटे से टेंट के अंदर कैसे सारे मिलके बैठे हैं। तो बस ये देखो सारा सामान आ चुका है, तो काटते हैं, है ना। सो दोस्तों कल हमने मेहमानों को थोड़ी सी खाते देरी करके खाना वाना खिलाया था, बदला लिया जा रहा है आज मेहमानों से बदला लिया जा रहा है। तो मेहमान आज हमें खाना खिला रहे हैं। हरी मिर्च है? हरी मिर्च नहीं है यार, लाल मिर्च होगी शायद, मिर्च में होगी। मिर्ची तेज रखूं पूरे? हां भाई, इसके पीस कैसे करने हैं बता दो। जैसे आपको ठीक लगे यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटे नहीं रखने, वो मोटे वाला सीन है नहीं अपने पास। करता मैं बारी, बीच से काला है, चलेगा चलेगा चलेगा, बाहर क्या काला जी जाना है बस। एक सेकंड, हल्दी होगी, घी हो गया। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको मतलब ज्यादा प्रोफेशन में नहीं जुड़नी है, क्योंकि सर्वाइव करना है तो जो जैसा बने खाओ भाई, सीधी सी बात है। हां ये बात सही है, तो ना भी खाओ किसी का क्या बिगाड़ोगे, बिगड़ेगा तो अपना ही ना। तो दोस्तों यहाँ पर जीतू भाई ने ना मतलब अपना मसाला तैयार कर दिया, जो कि खाना बनाएगा बहुत टेस्टी टेस्टी। टेस्टी का पता नहीं, पर ये अभी खाने लायक बना दिया। स्टार्ट कर दिया अपना तड़का लगाना, और टमाटर प्याज की ग्रेवी देख के मन कर रहा भाई ये इसी के साथ खाना खा लो। बस दो चार चपाती होनी चाहिए साथ में, है ना। चपाती वाला सीन भी था। अच्छा वर्ष भाई नहीं, अर्ष भाई तो इस तो तोरिये को समझता, तोरिये का तेल हाँ, तोरी का। अच्छा, तभी तो इतना कड़ंगा, मतलब ये सही रहता है। पहले खाते थे बचपन में, आजकल तो ऐसे पता नहीं किसका तेल दे देते हैं, देते रहना मुझे आदमी। चलो भाई ये ले जी, मसाला जा रहा है। जे गया जी मसाला भाई, बल्ले बल्ले बल्ले। जे गए भाई आलू अंदर। अच्छे लग रहे हो, और काले काले आलू भी है, कोई चक्कर नहीं, बनने के बाद सारे सही हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो मुँह में पानी आ रहा है, सोचिए मेरा मन करा कच्ची खा लूँ, भूख लगी ना, खाया ही क्या आज, आलू खा रहे। सो दोस्तों आई होप आपको भी देखने में मजा आ रहा होगा और मुंह में पानी आ गया होगा। हमें हमारे मुंह में पानी आ गया क्योंकि सुबह से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, तो अभी जैसे ही बनेगा ना टूट पड़ेंगे सारे। और अभी हमारे एक मेहमान और आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बुला रहे हैं, तो उनके लिए सरप्राइज है, तो उनको भी खाना खिलाएंगे टेस्टी टेस्टी। तो दोस्तों पानी जा चुका है, अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना बनने वाला है। बस सबके मुंह में देखो पानी आ चुका है। और नोटरी कहाँ है? उस सॉरी भाई भी आ रहा है पीछे, और हम लोग भी चार लोग हैं, और गॉड भी साढ़े नाल है, पाँच छः लोग हो गया ना, मैं तीन को तीन ही सोच रहा था। तो दोस्तों यार हमने सब्जी रख दी आलू की बनाने के लिए, और ये देखो नोटरी हमारी पीछे रहेगी, इसको हम भूल ही गए थे, अब इसको इसी के ऊपर डालना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके बाद हम चढ़ाने वाले हैं चावल, एंड दिखने में क्या मस्त लग रही है ना सची भाई। कल यही वाली सब्जी ना काली काली हो गई थी, मतलब टमाटर ही सड़ा दिए ना, थोड़े जल गए ज्यादा। तो ठीक है भाई, अभी हम चावल चावल बनाएंगे, एक साथ मिलते हैं अभी खाते टाइम से, है ना। लो जी दोस्तों आलू बस अभी पिघलने वाले हैं, यहाँ पर न्यूट्री भी मैंने सेर दी थी, ये देखो सेर दी थी, आप क्या बोलते हो? हाँ सर ये भिगो दी थी। अपनी भाषा नहीं रुक सकती यार, सेर दी थी। तो मैं वो सोच रही कहाँ से आ गया भाई, सेर दी थी अपनी नहीं रहेगी। आगे कुत्ते भौंक रहे, दोस्तों बाहर कुछ लग रहा है, सही है इसी बहाने बालू इधर नहीं आएगा, कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको कुछ दिख रहा है, रात हो चुकी है ना, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुझे ज्यादा चांसेस बालू के लग रहे हैं। नहीं इस टाइम तो बालू नहीं, अभी नहीं, चुड़ैल होगी दोस्तों बालू। तो भाई अभी ना अपनी सब्जी ना कड़कना शुरू हो चुकी है, उबलना शुरू हो चुकी है दोस्तों, बाहर से कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनको दिखाई दे रहा है, इसी वजह से वो भौंक रहे हैं। कुत्ते जहाँ होते हैं ना वो हमें अलर्ट कर देते हैं, तो आज रात को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बकरी होते हैं बालू 100% आता है ना, उनको शिकार होता है ये। एकदम से जज्बा भाई, कभी हम ना शिकार बन जाए। सो दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कैंपिंग करते टाइम यार, खाना वाना खा के टेंट में सो जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना। अवश्य अगर आए ना एक दूसरे की सहायता कर दूँ ना। क्या बालू को भगाने की जहाँ खुद बालू भगाने की
जो पानी अपने आप पी लेंगे ना। तो भाई इधर डाली जा रही न्यूट्री, ठंड पा ये तो बढ़ जाएगा यार। न्यूट्री पा कोई चक्कर नहीं, बंदे बड़े हैं, बर्तन छोटा रह जाएगा। यहाँ घुसना यार, क्या आ गया, लाइट करना, फ्लैश ऑन है, दिख नहीं रही, फ्लैशिंग लाइट ऑन है, भाग गया, चला गया, भाग गया, भाग गया, कुछ तो आ रहा है, चूहा नहीं कुछ, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, मैं मानता नहीं था, उसके बारे में सोई अभी। क्या भाई वीडियो बना रहे हो ना सचिन? हाँ हम आपकी का वेट कर रहे हैं भाई, भूख माँ कसम बहुत ज्यादा, मेरा की वेट कर रहे हो, आपको भूख लगी खाओ ना, मैं इनकी हेल्प कर रहा था। अच्छा काम करो आप, अब डालो सर्व करो और हमें दो प्लेट दो, हम मैं इसको वहाँ देता हूँ, खुद ही वहाँ बैठ जाता हूँ, खाओ फिर आप इंजॉय करो, हम वहाँ इंजॉय करते हैं, इधर ही बैठ जाओ सामने, चलो ठीक है देखते हैं, अब डालो सही बोले दोस्तों, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये आ चुका हमारा डिनर, न्यूट्री आलू न्यूट्री। ओ यार मैंने बोला प्याज डालने के लिए, प्याज उन्होंने ऊपर डाल दिया, तो चलो काफ़ी मेहनत के बाद ना खाना अच्छा मिल गया खाने को, तो खाते हैं इंजॉय करते हैं। वैसे खाना कैसा बना? चलो ठीक है भाई, ये सलाद भी आ गया, ये खाना भी आ गया अपना, तो खाते हैं। लो भैया, अरे एक्सपायरी है यार, वो दिखा दे, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, कौन सी है दिखा दे, ए भाई वो बड़ा अच्छा कर बहुत होगा, देखो वीडियो ऊपर तक चलती रही, इसको एकदम मैं 6 वीडियो बनाता हूं, अच्छे से नहीं ठीक है, इतनी ए वो तो ए ए वाली है ना, एक तो छोटी ये वाली वीडियो भाई, कुत्ता कंटीन्यूअसली भौंक रहा है, कुछ दिख रहा है उसको यार, तो ठीक है अभी दोस्तों, अभी अब वक्त उस जगह सोने का, तो मिलते हैं सुबह खूबसूरत मॉर्निंग के साथ, अभी के लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और बाहर के नज़ारे देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ और सामने बर्फ़ ही देखने को मिल रही होगी, वो भी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, तो ये हमारे टेंट के बाहर का व्यू है, पूरी की पूरी बर्फ़ दिख रही होगी दूर दूर पहाड़ों में, हमारे पीछे वाले पहाड़ में भी बर्फ़ है। सो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद अब सुबह हो चुकी है, धूप भी हो रही है, अभी यहाँ पर ऊपर टॉप पे हैं हम, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी हम जहाँ जाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, क्योंकि अब जम्मू की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो गर्मी भी रहेगी। फिलहाल इन खूबसूरत वादियों को हमने यहाँ से कर दिया क्लोज़। चलो दोस्तों अब यहाँ से अब निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, तो इन भाइयों को यहाँ से करते हैं अलविदा। तो बहुत अच्छा लगा यार आप सबके साथ कैंपिंग करके, बहुत मज़ा आया। भाई थोड़े लेट हो गए, टाइम स्पेंड कम हुआ, लेकिन भाई चावल भी ले रहेंगे रहेंगे भाई, बीच में छोड़ के निभाएंगे, फिर मिलाएगी किस्मत मिलाएगी, मुसाफिर हम तो मिलते रहेंगे कहीं ना रास्ते में, तो बड़ा मज़ा आपके साथ, तो फिर वही मुसाफिर है तो एक दूसरे जब चल रहे होते तो मिल जाते हैं, कोई नहीं कोई नहीं, जब करेंगे पूरी प्रिपरेशन से चलेंगे साथ में तो फिर चल पड़ेंगे। फिलहाल भाइयों के साथ करते हैं यहाँ से अलविदा, मिलेंगे जल्दी इनके साथ फिर से इन फ्यूचर। फिलहाल के लिए व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे, कौन सा बस बस आंसू आ जाएंगे यार, अभी आप प्याज नहीं काट रहे तो आंसू आ जाते हैं आपको भी। होटल से बंदा मंगवाया हमने, चलो कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में नहीं था आज भाई के हाथों से खाना, चलो कोई नहीं व्लॉग में देखते रहते हैं, मजा आएगा, ना अभी खिलाते
चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट यू सून, बाय बाय।